हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम एक कंसेप्चुअल टॉपिक होता है, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो पहले हम चलिए वर्क एंड टाइम का कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, करेक्टली ऑनेस्टली आप ईमानदारी से इसका रिप्लाई कीजिएगा। अगर सपोज कर लीजिए कि चार पेन का रेट 16 रुपीज़ है, कितना है रुपीज़ 16, एक पेन का रेट कितना हो जाएगा? एक पेन का रेट अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 16/4 यानी कि 4 रुपीज़। और 9 का निकालना है, अगर 9 पेन का रेट निकालना है तो आप क्या करेंगे, 16/4 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे। इसमें तो आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। ऑनेस्टली वीडियो को पॉज करके आप रिप्लाई करेंगे। फोर मैन, आप चाहें तो नोट डाउन भी कर लें, मैं बोल रहा हूं, फोर मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। फोर मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि वन मैन उस काम को कितने दिन में करेगा, 16/4 days, इज इट करेक्ट, आई एम करेक्ट? अब सोच के बताइएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, पहले आप मान लेते हैं करेक्ट है। रेशियो इन प्रोपोर्शन, उसमें रेशियो इन प्रोपोर्शन में दो तरह का आपको बताया जाता था, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि जैसे आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो 5 रुपये पे करते हो, 2 किलोमीटर का आपको 10, 3 किलोमीटर का आपको 15। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हो रेट भी बढ़ रहा है, ये क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो ये क्वांटिटी भी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसी क्वांटिटी को जब दो डिपेंडेंट क्वांटिटी हो, एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी क्वांटिटी उसी के रेशियो में बढ़ती है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मींस डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन लगेगा, के आर। कोई डाउट आई होप सो नहीं होगा आपको। अब कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है कि जो एक बढ़ाते हैं तो दूसरी घटती है, उसे हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी। दो क्वांटिटी इस तरह से हो, जैसे कि एग्जांपल आप सोच के बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए बताइए क्या होगा। चलिए मैं बताता हूं आपको, पूरे रूम को व्हाइट वॉश कराना है। एक आदमी आता है, बोलता है भाई हम चार आदमी मिल करके हम 16 डेज में कर लेंगे। चार आदमी उस काम को मिल करके कितने दिन में कर रहा है, 16 डेज में कर रहा है, ठीक। तो अगर आप सपोज कर लीजिए कि अगर एक आदमी उस काम के लिए हम लगा दें, एक आदमी, हमने बोला भैया चार बार नहीं चाहिए, एक आदमी तुम आ जाओ अकेले इत्मीनान से करो, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा भाई? अगर मैंने यहां पे ये लिखा था कि 16/4, तो इसका मतलब एक आदमी इस हिसाब से 4 दिन में कर लेता, जो एक आदमी आया था सुपरमैन है, कि एक चार आदमी जिस काम को 16 डेज में कर रहा है, एक आदमी 4 दिन में कैसे कर लेगा? That means, जब एक आदमी आप लगाओगे तो 16/4, ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैन का और डेज का। नंबर ऑफ पर्सन अगर आप बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, कम होगा, और नंबर ऑफ डेज अगर आपको जल्दी काम चाहिए तो नंबर ऑफ पर्सन क्या करोगे, आप इंक्रीज कर दोगे। तो यानी कि एक आदमी उसी काम को 64 डेज में करेगा, ये कॉन्सेप्ट होता है वर्क एंड टाइम का। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी होती है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम बहुत यूज करेंगे कि जैसे ए किसी काम को मान लीजिए 5 दिन में करता है, एंड डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, तो ए इज 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/5। जाहिर सी बात है, एक दिन में कितना पार्ट करेगा, 1/5। अब इसी का मैं उल्टा बोल रहा हूं आपसे, ए इज 1 डे वर्क, ए किसी काम को अगर करता है तो एक दिन में 1/5 पार्ट करता है, एक दिन में कितना करता है, 1/5, तो होल वर्क विल बी डन 5 डेज। होल वर्क कितने दिन में होगा, 5 डेज में होगा। ये कॉन्सेप्ट हम बहुत यूज करेंगे आगे। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है आज, तो 10 जितने क्वेश्चन है सब में हम इसको यूज करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, एज 1 डे वर्क 1/5, और ए एक दिन में 1/5 पार्ट करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 डेज में। क्लियर? देखिए अब इस वीडियो में हम करेंगे क्या, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, एक ही टाइप के क्वेश्चन लिया है, और इसी दूसरे मतलब इसे एक शीट 10 क्वेश्चन का हम आपको असाइनमेंट देंगे, और वो क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो सेम इसी की तरह से है, तो उसको आपको होप करना है, प्रैक्टिस कीजिए आप। इसके बाद पहले 10 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखते हैं, उसके बाद हम 10 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी डू इट इन 4 डेज. इफ बोथ ऑफ वर्किंग वर्क टूगेदर व्हाट टाइम विल दे टेक टू डू द वर्क. यानी कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ए किसी काम को, मैं लैंग्वेज आप नोट डाउन चाहे कर लें, मैं बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ए वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/8. उसके बाद बी उस काम को कितने दिन में करता है, बी डू इट इन 4 डेज. तो बीज वन डे वर्क क्या हो जाएगा, बीज वन डे वर्क 1/4, और ए प्लस बीज वन डे वर्क, ए प्लस बीज, ए प्लस बीज वन डे वर्क क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4, एलसीएम 8, 1s, 2s, तो क्या होगा ये 3/8. अब देखिए एक चीज यहां समझने की कोशिश कीजिए, ए अगर किसी काम को 8 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/8 पार्ट. अगर हम ये कहें कि ए जो है एक दिन में 1/8 पार्ट करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा. मैं आपसे कहता हूं कि ए अगर किसी काम को, ए जो है एक दिन में 1/8 पार्ट कर लेता है तो पूरा काम 8 दिन में करेगा, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल. तो यहां पर हमने ये निकाला है कि ए प्लस बीज वन डे वर्क जो कितना आ रहा है वो 3/8, तो होल वर्क विल बी डन इन 8/3 डेज. क्लियर. क्वेश्चन टू आप केयरफुली देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 4 डेज, तो ए इज वर्क जाएगा 1/4, बी इज वन डे वर्क क्या हो जाएगा 1/3, एंड सी इज वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/12. सी कैन डू इट इन 12 डेज. If A, B, C work together, what time will they take to do the work? तीनों मिलकर के इस काम को करें तो A plus B plus C is 1/4, 1/3, 1/12. तो इसमें हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे 12, 3s, 4s, 1s. तो कितना हो जाएगा 8/12. 8/12 यानी कि A plus B plus C is one day work जो है 8/12, तो whole work will be done 12/8 days. 12/8 का मतलब क्या हो जाएगा 4 3s, 4 2s, यानी कि 1.5 days. ये देखिए, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, यानी कि 1/A, 1/B हम क्या लेंगे 1/8, यानी कि ए और बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, यानी कि 1 day's वर्क क्या हो जाएगा 1/A + 1/B इक्वल टू 1/8. बी और सी यानी कि 1/B और 1/C ये 24, इनको आप ऐड कर लीजिए. देखिए जब आप ऐड करेंगे 1/A, 1/A, 2, 1/B, 1/B, 1/C, 1/C, all of twice, तो हम इसको 2/A भी लिख सकते हैं, 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/A, 1/B, 1/C, 1/8, 1/6, 1/24. एलसीएम कितना होगा 24, 8 3s, 6 4s, तो ये हो जाएगा 8/24. दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/3. तो और ये 2 को अगर हम नीचे ले लें 1/A, 1/B, 1/C, ये ट्वाइस के साथ था, तो दैट मीन्स इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ तो 1/A + 1/B + 1/C किसके बराबर होगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो कितना होगा 1/6 days. तो होल वर्क विल बी डन 6 days, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा 6 days में हो जाएगा. ये इंप्लाइज दैट क्यों, तो इसको इंप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब होल वर्क विल बी डन इन 6 days. अब इसी क्वेश्चन में सपोज कर लीजिए कि आपसे ये कहा जाए कि इसको जो है सी कितने दिन में करेगा, तो यहां पर ए प्लस बी के स्पेस पे 1/8 रख देंगे, इसको ट्रांसपोज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, सी निकल आएगा. बी प्लस सी के स्पेस पे हम 1/6 रख देंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, ए का वर्क निकल आएगा. अगर इंडिविजुअल वर्क पूछा जाए तो इसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नंबर 4 होमवर्क आप कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा, उसमें सिर्फ सी का वर्क निकाला गया, इजीली आप कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए करते हैं. डू ए पीस ऑफ 16 डेज और बी डू इट, बी कितने दिन में कर रहा है 12 डेज. ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 4 डेज ए लीव्स द वर्क. परसेंटेज में हम किसी भी चीज को क्या लेते हैं, जब हम लोग परसेंटेज का चैप्टर हम लोगों ने किया था तो हम टोटल 100 लेते हैं. परसेंट में जब भी हम किसी भी चीज को अज्यूम करते हैं टोटल क्या करते हैं, वर्क एंड टाइम में जब भी किसी भी काम को एज्यूम करेंगे तो वो हमेशा हम उसे क्या लेंगे 1 लेंगे. काम क्या होता है हमेशा 1.
वेदर एक हम ब्रिज बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, छोटा सा कोई टॉय बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी दुनिया का काम होगा, काम हमेशा एक होता है। तो वर्क एंड टाइम के केस में हम क्या करेंगे, हमेशा एक लेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए कैन डू इट 16 डेज, बी डू इट 12 डेज। ए बी स्टार्टेड द वर्क, आफ्टर 4 डेज ए लीव्स द वर्क। अब देखिए ए प्लस बी इज वन डे वर्क, यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे, 16 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 48, 16 थ्री जा 12, 4 जा क्या आ जाएगा 7/48। दैट मीन्स ये दोनों एक दिन में इतना काम कर लेंगे, एक दिन में कितना पार्ट कर लेंगे 7/48। तो देखिए ए और बी ने काम स्टार्ट किया, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 4 डेज ए लीव्स ऑफ, चार दिन का काम कितना हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, यानी कि 7/48 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/12। यानी कि ए और बी ने यहां तक चार दिन में ए प्लस बी ने मिलकर के कितना काम कर लिया 7/12। ये 4 डेज का वर्क है, किसने किया, ए प्लस बी ने, यानी कि ए और बी ने मिलकर के काम किया, कितना काम कर लिया 7/12। रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा 1 - 7/12, 12 में से 7 जाके क्या बचेगा 5/12, तो ये जो बचेगा हमारा क्या बचेगा 5/12 वर्क रिमेनिंग बचा, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ए और बी ने चार दिन तक जो मिलकर के काम किया कितना किया 7/12, अब रिमेनिंग वर्क कितना होगा 5/12। अब देखिए उस रिमेनिंग वर्क को, द नंबर ऑफ डेज बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, अब रिमेनिंग वर्क जो है हमारा 5/12 है, उसको कौन कंप्लीट करेगा, बी करेगा। देखिए बी एक काम मतलब इस पूरे काम को यहां से यहां तक को करने में कितना टाइम लेता है 12, तो इसका 5/12 करने में कितना टाइम ले लेगा 5/12, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस काम को करने में कितना टाइम ले लेगा डेज। समझ में आए कि नहीं, ये चीज आपको समझ लेना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, अगर ये नहीं समझ में आएगा फिर आगे आपको दिक्कत आएगी। कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी इन 24 डेज, तो बी कैन डू इट इन 24 डेज। ए स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 3 डेज, बी ऑल्सो ज्वाइन ए। देखिए तीन, ए ने काम शुरू किया, एज वन डे वर्क क्या हो जाएगा, एज वन डे वर्क 1/12, और मुझे ए का कितने दिन का काम निकालना, तीन दिन तक कर लिया, तो तीन दिन में कितना करेगा 3/12, यानी कि 1/4 वर्क हो जाएगा। फिर से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये पूरा काम है, ए ने 1/4 तीन दिन तक काम किया, यहां से यहां तक कितना, इसको हम डेज में लिख रहे हैं, ये 3 डेज का वर्क ए ने कंप्लीट कर लिया, किसने कंप्लीट किया ए ने, कितना टाइम लगा, कितना वर्क कंप्लीट किया 1/4 पार्ट। अब 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे, ऑब्वियस 3/4 रिमेनिंग बचेगा, क्या बचेगा 3/4 रिमेनिंग होगा। तो 3/4 जब वर्क आपका रिमेनिंग बच रहा है, इस काम को कौन करेगा, ए और बी करेंगे, ए और बी, ए किसी काम को 12 दिन में करता तो एक दिन में 1/12, बी 24, वी विल टेक एलसीएम 24, 2 + 1 + 3/24, 3/24 का मतलब हो गया 1/8, तो होल वर्क विल बी डन, यानी कि एक काम अगर पूरा यहां से आता एक काम करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा 8 डेज। इस चीज को समझ लीजिए आप अच्छे से, एक दिन में 1/8 पार्ट, तो होल वर्क 8 डेज में, एक काम को यानी कि 1 पार्ट को करने में 8 डेज लग रहा है, तो 3/4 को कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 2 = 6, यानी कि कितना हो जाएगा ये 6 डेज। एंड सी जो करता है उसे 15 डेज में करता है, फिस 15 डेज। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 2 डेज दे लीव द वर्क, ए और बी ने शुरू किया है, अब ए का 1 डे का काम कितना हो जाएगा 1/5, बी का 1 डे का काम 1/10, इन दोनों को ऐड करेंगे 10 एलसीएम, 5 × 2 = 10, 1 = 3/10, यानी कि एक दिन में दोनों मिल करके 3/10 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, पार्ट करेंगे 2 दिन में 10, यानी कि 2 × 5 = हो जाएगा 3/5 वर्क कंप्लीट कर लेंगे 2 दिन में, ए और बी मिल करके कितना वर्क कंप्लीट करेंगे, फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हमारा 3/5, वर्क कितना बचेगा 2/5, ओबियस ये थोड़ा से बड़ा लेना चाहिए, ये हो गया हमारा 3/5, और ये इतना क्या हो गया हमारा यहां से यहां तक 2/5 वर्क क्या हो रहा है रिमेनिंग हो रहा है। ए प्लस बी ने इस काम को मिलकर के कितने दिन में किया, दो दिन में किया, यानी कि 3/5 वर्क हो गया, 2/5 क्या है रिमेनिंग है। अब आगे की क्या कहानी है इसमें, इसमें आगे ये कह रहा है कि रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन हाउ मेनी डेज, यानी कि ये जो काम बचा हुआ है ये यहां से ऐसे बना लो, 2/5 जो वर्क बचा हुआ है इसे किसे कंप्लीट करना है,
इस 2 by 5 वर्क को सी करना है, सी काम को सी जो है वो 15 दिन में करता है, एक पूरे काम को सी करने में कितना टाइम लेता है 15 दिन, तो 2 by 5 को कितने मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय 2 by 5, तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 डेज, बी जो है वो 15 डे में कर रहा है, बी डू इट इन 15 डेज। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लुक टुगेदर बट इशन द ऑफ वर्क ए लीव्स ऑफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में जरा सा आपको घुमा दिया है, क्वेश्चन को एक बार आप रीड कीजिए केयरफुली, आप रीड, काम खत्म होने के 3 दिन पहले, यानी कि यहां से ये जो है ये 3 डेज का काम है, मतलब इधर जो काम खत्म होने से पहले 3 दिन पहले, यानी कि ये जो काम बचा है वो कितने दिन का काम बचा हुआ है, जो वर्क हमारा रिमेनिंग है वो 3 डेज का ही रिमेनिंग है ना। तो अब देखिए अब उल्टा हम करेंगे, पहले यहां से कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स ऑफ, ए छोड़ देता है द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ द, अब यानी कि यहां तक जो काम होता है ये ए प्लस बी मिलकर के काम करते हैं इसको, और इसको यहां से ए छुट्टी, एक का काम खत्म हो गया, इस काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो बी इज वन डे वर्क कितना हो जाएगा, बी इज वन डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/50 का काम बचा हुआ था इसको बी ने कंप्लीट किया, तो बी ने कितना पार्ट किया ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यानी कि ये 3/15 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5, यानी कि बी ने इस काम को जो किया है, इस काम को बी ने कंप्लीट किया है, कितना पार्ट कर लिया है 1/5 पार्ट कर लिया है, बी ने कितना पार्ट कंप्लीट किया, अब जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना बचेगा, 1 से 1/5 माइनस करेंगे, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/5 पार्ट जो है वो वर्क क्या है रिमेनिंग है, और इस काम को किसने किया था पहले, ए प्लस बी ने, तो ए प्लस बी वन डे वर्क हम निकाल लें, ए प्लस बी 4/15, यानी कि एक दिन में 4/15 वर्क करेंगे, ध्यान दीजिएगा एक दिन में कितना पार्ट करेंगे 4/15, तो पूरा काम अगर करना होता यानी कि वन वर्क यहां से यहां तक पूरा करना होता तो कितना टाइम लेते, 15/4 लेते कि नहीं, 4/15 काम एक दिन में करता है, तो जब कभी भी पूरा काम करना हो तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 15/4, एक काम को करने में 15/4 काम को करने में 15/4 डेज लग रहा है, तो 4/5 पार्ट को करने में क्या होगा, इसे 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोबारा समझा रहा हूं, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस पूरे एक काम को करने में 15/4 डेज लग रहा है, क्लियर, एक काम को, तो उसका 4/5 करना है तो 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 थ्रीजा हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 डेज, यानी कि ए प्लस बी ने जिस काम को किया होगा दोनों ने मिल करके कितने दिन में करेंगे, ये 3 डेज में करेंगे, अगर पूरा पूछा है तो 3+3 6 हो जाएगा, क्या पूछा है इसमें आपसे, टोटल नंबर ऑफ डेज कंप्लीशन द वर्क, टोटल नंबर ऑफ डेज यानी कि 3 डेज में ए प्लस बी ने मिलकर के किया और इस काम को 3 डेज में किसने किया था, बी ने किया था, यानी कि दोनों मिला करके कितना डेज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड करना था तो 6 डेज, आज पूरा दिन यही किया है, जो एक सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे पूरे डेटाबेस से उनको फिल्टर करना निकालना, फिर मैंने इसी 10 क्वेश्चन का मैंने असाइनमेंट प्रिपेयर किया, बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन है, डिजिट मैंने चेंज करके दिया है, आज आपको मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, उस 10 क्वेश्चन का जो मैं असाइनमेंट आपको दूंगा वो असाइनमेंट आपको पूरा कंप्लीट करना है, डेज बी कैन डू इट इन 20 डेज, दे बिगिन द वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर के काम शुरू किया, ए लीव्स आफ्टर सम डेज, यानी कि यहां से मान लेते हैं यहां से ए प्लस बी ने काम किया, ए प्लस बी ने यहां तक काम किया, कितने दिन किया नहीं पता, उसके बाद बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बी ने इस पूरे काम को यहां तक सिर्फ बी ने काम किया, ए और बी ने कुछ दिन तक काम किया, उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क था उसको बी ने किया, लेकिन बी ने कितने दिन में इस काम को कंप्लीट किया, ए लीव्स ऑफ आफ्टर सम डेज बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, अब आपको यह पता है बी ने इस काम को कितने दिन में किया, बी ने इस काम को 5 डेज में किया, अब देखिए बीस वन डे बी किसी काम को 20 डे, बीस वन डे वर्क क्या हो जाएगा, बीस वन डे वर्क 1/20, एक दिन में बी कितना काम करता है 1/20 पर, तो बीस 5 डे वर्क कितना हो जाएगा 5/20,
यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/4 part, यानी कि इस 5 दिन में बी ने 1/4 part कंप्लीट कर लिया। बीज वन डे वर्क, एक दिन का जो काम है 1/20 है, तो 5 दिन का काम 5/20, 1/4, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 1 से माइनस कर देंगे 1 - 1/4, तो ये कितना बचेगा 3/4, ये जो वर्क हमारा बचा है 3/4, इसको कौन कर रहा है, ए प्लस बी। हम ए प्लस बी वन डे वर्क निकाल लेते हैं पहले, ए प्लस बीज वन डे वर्क कितना होगा, 1/10, 1/20, 20 LCM, 10 2s, 1s, 3/20, यानी कि एक दिन में 3/20 पार्ट करेंगे। अब यहां से आपको समझना है, बी केयरफुल, एक दिन में 3/20, तो होल वर्क विल बी डन 20/3 days। जब कभी भी इस तरह का निकालना होगा तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, एक दिन में 3/20 होल वर्क, 20/3 days। अब हमें कितना पार्ट निकालना है, ये एक काम को, यहां से यहां तक अगर इस पूरे काम को करना होता तो ए और बी 20/3 days में कर देते, लेकिन हमें कितना पार्ट करना है, सिर्फ इतना पार्ट करना है। इस पार्ट को करने में क्या हो जाएगा, 3/4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 5s, दैट मींस जो सम डे आपसे पूछा था, या इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी ने 5 days काम किया। क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड कीजिए और मोबाइल की जितने नोटिफिकेशन है ना उनको आप ऑफ कर दीजिए, उससे क्वेश्चन फिर आपको डिस्टर्ब होगा। ये क्वेश्चन बहुत केयरफुली आप देखिएगा, इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया था जामिया में, और मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटली, अल्टरनेट डे यानी कि एक जब करता है तो बी रेस्ट करता है, जब बी करता है तो ए रेस्ट करता है, अल्टरनेट डेज का मतलब यही तो हुआ, ए जब कर रहा है तो बी रेस्ट, बी जब कर रहा है तो ए रेस्ट। ए बिगिन द वर्क, ए काम करना शुरू करता है, देखिए ए इज वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/5, और बी इज वन डे वर्क, इज वन डे वर्क 1/10। अगर ए ने जब, जैसे मान लीजिए इस पूरे को मैं एक स्लॉट मान लेते, यहां तक इतने काम को ए ने किया और इस काम को बी ने किया, ए ने किया तो 1/5 काम कंप्लीट कर लिया, बी ने किया तो 1/10 कंप्लीट कर लिया, यानी कि यहां से यहां तक इस पूरे काम को करने में कितने डेज लगे, 2 days लगे, 2 days में कितना काम हुआ, यानी 5 1/10, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा 10 5 2s 10 1s, तो यानी कि 3/10। ये इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई, ये इतना काम जो है हमारा जो 3/10, अब इसको ये मत समझिए कि ये एक दिन का काम है, ए ने काम किया तब बी रेस्ट कर रहा था, अब जब बी ने काम किया तो ए रेस्ट हो रहा, यानी कि इस पूरे यहां से एक स्लॉट मान लेते, इस स्लॉट को काम करने में यहां से यहां तक 2 दिन का टाइम लगा, कितने दिन का, 2 days का, इस 2 days में कितना काम हुआ, ये हुआ 3/10। देखिये जब अल्टरनेट वर्क आए तो उसको करने का मैं आपको एक सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूं, दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत सिंपल सा है कि 3/10 हो, इस ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, इस नंबर को इतने से आप मल्टीप्लाई कीजिए कि जो नीचे के इक्विवेलेंट या उसके बराबर एग्जैक्ट आ जाए या उससे छोटा, तो यानी कि 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 3 3s कितना आ जाएगा 9/10 होगा कि नहीं, अगर 4 से करते तो ये क्वांटिटी ज्यादा हो जाती, वर्क हमेशा एक होता है, इसी वजह से ये एक से बड़ी क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो यानी कि ऐसे 3 slot काम किया गया होगा, ऐसे कितने स्लॉट, 3 slot, फिर ये 2 days में, फिर ये 2 days में कितना हो जाएगा 3/10, फिर ये 2 days में कितना हो जाएगा 3/10, दैट मींस ये हमारा इस तरह के 3 slot यानी कि 9/10 काम कंप्लीट हो गया, तो ये कितना डेज लगा, 2 days 2 days 2 days, 6 days का काम कंप्लीट हो गया। आई होप सो क्लियर होगा, इस एक स्लॉट को करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 days लग रहा है, ए कर रहा है तो बी रेस्ट, बी कर रहा है तो ए रेस्ट, तो इस तरह से ये हमारा 2 days 2 days 2 days करके 9/10 हो गया। हमने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, अगर हम 4 से करते तो 4 3s 12, ये क्वांटिटी एक से बड़ी हो जाती, 2 से करते तो इससे भी 10 से काफी छोटी क्वांटिटी थी 6/3, इस वजह से उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि जो इसके नियर आ जाए। अब देखिए 9/10 वर्क हो गया, तो 1 - 9/10 अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना वर्क बचेगा 1/10, यानी कि अब जो इतना काम जो बचा है वो कितना बचा है 1/10 पार्ट बचा है 1/10, इसे कौन करेगा, ए बिगिन किया था। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में ये लिखा गया है ए बिगिनिंग, ए शुरुआत करता है, तो यहां तक बी ने
बी ने काम कर लिया, ए स्टार्ट करेगा। अब देखिए एज एक काम को कितने दिन में करता है, 5 डेज में, तो 1 अपॉन 10 पार्ट को कितने में करेगा, यानी कि 1 बाई 2 डेज में करेगा। 6 डेज तो ये हो गया प्लस 1 बाई 2, यानी कि 6 होल नंबर 1 बाई 2 डेज, 6 होल नंबर 1 बाई 2 डेज इज द राइट ऑप्शन। ये अल्टरनेट कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया है। देखिए ये सब मुझे बताने में टाइम लग रहा है, इनफैक्ट अगर आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी लिटिल बिट टाइम में आप कर लेंगे। 1/5, 1/10 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/10, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9/10, यानी कि 3 2 6 डेज ये कर लेंगे, और 1/10 इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2, ये आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन अभी आप इत्मीनान से प्रैक्टिस कीजिए, इस चैप्टर को केयरफुली कीजिए, इसी वजह से मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने लिए भी नहीं है।